नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी और अहम खबरों के साथ। मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर को सैफई के नुमाइश ग्राउंड पंडाल में लाया गया है। यहां उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटा गया है। पंडाल में बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और जो मुलायम सिंह अमर रहे के नारे लगा रहे हैं। बताते चले कि मुलायम सिंह का दोपहर 3 बजे ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुलायम सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सैफई के लिए निकल गए हैं। और इसके साथ ही मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर को सैफई के नुमाइश ग्राउंड पंडाल में रखा गया है। रक्षा मंत्री और यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव के निधन पर उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में शोक की लहर है। मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर उत्तर प्रदेश में उनके पैतृक गांव सैफई पहुंच गया है। उनका अंतिम संस्कार सैफई में होगा और वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुष्प चक्र चढ़ाकर ही मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान मुलायम सिंह का पूरा परिवार एक साथ दिखा और सीएम योगी के साथ जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मुलायम सिंह यादव के निधन पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का आज उनके गांव सैफई में दोपहर 3 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। सैफई में कल से ही उनके गांव में मौजूद घर पर नेताओं, कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सैफई पहुँच रहे हैं और इसके अलावा देश भर में तमाम दिग्गज भी आज सैफई पहुँचेंगे। और जहाँ कई हेलीपैड और वाटर प्रूफ पंडाल बनाए गए हैं, वहीं नेताओं के आने से पहले सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मालूम हो कि मुलायम सिंह यादव का सोमवार को निधन हो गया। 82 साल की उम्र में उन्होंने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। सुल्तानपुर में हुए सांप्रदायिक बवाल में 6 लोग घायल हो गए हैं। ये बवाल सोमवार को दुर्गा विसर्जन के जुलूस में तेज आवाज में डीजे बजाने को लेकर ही हुआ था और मस्जिद के पास से गुजरते समय दोनों समुदाय के लोगों ने एक दूसरे पर पथराव शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बवालियों को खदेड़ कर मौके पर शांति व्यवस्था कायम किया है और इस संबंध में ही पुलिस ने दोनों पक्ष के दर्जनों लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है और बदली राय सर्किल ऑफिसर राजा राम चौधरी ने बताया है कि दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के लिए एक पक्ष के लोग जुलूस में ही शामिल हुए और इसके साथ ही आपको बता दें कि इनके साथ गाड़ियों पर तेज आवाज में डीजे भी बज रहा था। इब्राहिमपुर क्षेत्र में जैसे ही जुलूस मस्जिद के पास से गुजरा, दूसरे पक्ष के लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। देखते ही देखते दोनों पक्षों में पथराव और मारपीट शुरू हो गई। सीओ के मुताबिक बताया जा रहा है कि इस वारदात में लोगों ने जमावड़ा देखने को मिला और दोनों पक्षों के 6 लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं, जबकि कई अन्य लोगों को भी मालूम बता दें आपको कि मामूली सी चोटें भी आई हैं, ऐसी घटना सामने आई है। सीतापुर के अधिकारियों की संवेदनहीनता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि जिले के डीएम और एसएसपी का एक काफिला जहांगीरबाद चौराहे से निकल रहा है। इसी दौरान सामने से एक ई रिक्शा आता है, लेकिन काफिले को देखकर बचने की कोशिश में पलट जाता है। इससे ई रिक्शा में बैठी कई सवारियां उसमें दब भी जाती है। ये सब कुछ अपनी गाड़ी में बैठे डीएम और एसएसपी भी देखते हैं। बावजूद इसके किसी भी अधिकारी ने रुकने की जरूरत नहीं समझी और काफिला फर्राटे भरते हुए वहां से निकल गया। जानकारी के मुताबिक चौराहे पर सड़क पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे देखने को मिल रहे हैं। बरसात की वजह से इन गड्ढों में पानी भर गया है। इसकी वजह से ई रिक्शा चालक को गड्ढों की गहराई का अनुमान नहीं हो पाया और वहीं जैसे ही ई रिक्शा का पिछला पहिया गड्ढे में पड़ा, ई रिक्शा एक तरफ और लुढ़कते हुए पलट गया। इस हादसे में ई रिक्शा में सवार एक महिला और बच्चे सहित कई अन्य लोगों को मामूली चोटें आईं। देश के कई राज्यों में पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगहों पर सड़कों से लेकर पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आज यानी मंगलवार को 11 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। तेज बारिश को देखते हुए IMD ने 24 राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने और चक्रवाती हवाओं के प्रभाव के कारण इन दिनों बारिश हो रही है।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आनंद विहार और अप्सरा बॉर्डर के बीच 6 लेन के फ्लाईओवर का शिलान्यास किया है और इस फ्लाईओवर के बन जाने के बाद हजारों लोगों का जाम से मुक्ति मिल जाएगी। और इस अवसर पर ही सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पूर्वी दिल्ली में इस फ्लाईओवर के बन जाने से यहाँ से गुजरने वाले वाहनों और पूर्वी दिल्ली के स्थानीय लोगों को काफी फायदा होगा। और इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि इस फ्लाईओवर का काम भी हम तय समय से पहले और 115 करोड़ रुपए की बचत के साथ पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी मंगलवार को उज्जैन में ही 856 करोड़ रुपए की लागत से तैयार महाकेश्वर मंदिर कॉरिडोर विकास परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। महाकाल लोक के भव्य प्रवेश द्वार नंदी द्वार के नीचे मोली धागों से ढका एक बड़े आकार का शिवलिंग रखा गया है। प्रधानमंत्री आधिकारिक तौर पर मेगा कॉरिडोर का उद्घाटन को प्रतीकात्मक रूप से ही शिवलिंग का अनावरण करेंगे। इस कॉरिडोर के खुलने के बाद मध्य प्रदेश के इस पवित्र शहर में पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। चलिए अब खबर गोंडा से है, जहां कर्नलगंज कोतवाली क्षेत्र में एक वारदात को अंजाम दिया गया है। एक देवर ने अपनी भाभी पर ही चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में घायल युवती की हालत नाजुक बताई जा रही है और उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में परिजनों को शिकायत पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 10 अक्टूबर 2022 को थाना क्षेत्र कर्नलगंज अंतर्गत एक महिला पर चाकू से वार करने की सूचना प्राप्त हुई है। तत्काल पहुंच करके देखा गया तथा उसे इलाज में CHC कर्नलगंज भेजा गया, जहां चिकित्सकों द्वारा उपचारों पर बेहतर इलाज है गोंडा जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।